व्यापी फैसले की घड़ी बहुत ज्यादा निकट आ रही है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, इसी से जुड़ी हुई आ रही है बड़ी खबर। वाराणसी से ज्ञान व्यापी केस में फैसला, आज यह फैसला, ये बड़ा फैसला। तो कमिश्नरेट में धारा 144 लागू कर दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होटलों में चेकिंग, शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज आपको बता दें कि जजमेंट से पहले आज सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, और जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, ज्ञान व्यापी फैसले की घड़ी, क्योंकि आज जजमेंट से पहले पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज, क्योंकि कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ज्ञानव्यापी केस में फैसला आ जा रहा है, आज जजमेंट से पहले पुख्ता सुरक्षा की गई है। कमिश्नरेट में धारा 144 लागू की गई है, होटल में चेकिंग, शहर में फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा मेंटेनेबिलिटी पे, कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, और इसमें ये बात डिसाइड होगी कि आगे इस लिटिगेशन का फेट क्या होगा, क्या इस मामले में आगे आने वाले समय में एविडेंस लीड की जाएगी, स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सारी बुक्स दिखाई जाएंगी, कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। देखिए 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है, और नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में उसके विरुद्ध किसने जाके व्यास जी को उस तहखाने से निकाला? और धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को तय करने का आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने दिया है, तो धार्मिक स्वरूप कैसे तय होगा? एक सिविल सूट में एविडेंस के द्वारा ही धार्मिक स्वरूप तय हो सकता है, धार्मिक स्वरूप तय करने की ही एक्सरसाइज है। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में आता है, क्योंकि हमारा कहना यह है कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो धार्मिक स्वरूप तय करने की एक्सरसाइज और कवायद आगे बढ़ेगी। क्या है, कितने बजे से कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, क्या तैयारियां हैं? माननीय न्यायालय 2 बजे से फैसला सुनाने की प्रक्रिया में जारी रहेंगे, खुलेगा, और माननीय न्यायालय के प्रति क्या हम कहें, लेकिन 2 बजे से माननीय न्यायालय की प्रक्रिया चालू होगी। तो क्या उससे पहले क्या पूजा अर्चना भी करने जाना है, बाबा के दर्शन होंगे उसके बाद? बाबा के दर्शन के लिए हम लोग पूजा अर्चन कर सुबह कर लिए हैं, और फिर विजय के पश्चात पुनः दर्शन करेंगे जो है। किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा अगर पक्ष में आता है फैसला? पक्ष में आने के बाद काशी की जनता स्वस्फूर्त होकर के अपने घरों पर जो है घड़ी घंट बजाएंगे, थाली बजाएंगे, और कह करके काशी की जनता को, हिंदू समाज को, सोए हुए हिंदू समाज को जागृत करने का प्रयास करेंगे। देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि दे। तो ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, आज इस पर वाराणसी जिला जज की अदालत में फैसला होगा। 3 महीने से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, आज एक बड़ा फैसला आने जा रहा है जो ये तय करेगा कि आखिरकार जो ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई के लायक है या नहीं। देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जब डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस दिन आदेश दिया रवि दिवाकर की अदालत से केस ट्रांसफर अजय कुमार विशिष्ट जिला जज की अदालत की गई,
तो 84 दिन की जो डेडलाइन थी उसके दरमियान पूरी सुनवाई पूरी की गई है। अब 1991 वर्षीय एक्ट की जो लगातार बात कर रहे थे कि किसके पक्ष में है, मुस्लिम पक्ष से रूल 711 की बात कर रहा था कि नहीं ये पोषणीयता बनेगी या नहीं बनेगी, आधार बनेगा या नहीं, वहीं हिंदू पक्ष लगातार उस पर बहस कर रहा था। बड़ी बात यह बताऊंगा उसके साथ साथ हमारे साथ काशी के कुछ संत समाज के लोग हैं, युवा संत हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी राय क्या है, आज फैसला आना है किस तरीके का, काशी में धारा 144 भी लागू है, क्या माहौल है। शास्त्री जी आप कथावाचक है, आज बाबा विश्वेश्वर का आदेश आना है, आप लोगों की राय क्या है, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं इस अदालत के आदेश को लेकर, किस तरीके का सौहार्द होना चाहिए और काशी का माहौल किस नजरिए से देखते हैं और फैसला किसके पक्ष में आना चाहिए। सबसे पहले तो हम वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरण प्रपद्य, बाबा विश्वेश्वरनाथ की चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। और रही बात फैसला की, तो फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा, हम लोगों को संपूर्ण विश्वास है। और यहाँ के माहौल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम सनातन धर्मी हैं और हमारे धर्म में अहिंसा परमो धर्म, हम लोगों को हिंसा नहीं सिखाया जाता, हम लोग अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम लोगों के अंदर हिंसा का कोई वो नहीं है। और रही बात यहाँ का माहौल, तो हमारा ये जो देश है ना, गंगा जमुना सरस्वती के तहजीब पर चलने वाला देश है, यहाँ हिंसा का कार्य ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को संपूर्ण विश्वास है कि फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा, विपक्ष में जा ही नहीं सकता। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से ज्यादा विश्वास अपने बाबा विश्वनाथ पर रहता है, क्योंकि जब वो हम लोगों के साथ हैं तो फैसला विपक्ष में जा ही नहीं सकता। और रही बात, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, सब कुछ संपूर्ण हो गया है, मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा विश्वेश्वरनाथ की जय हो और फैसला पक्ष में आएगा। वापी में मिले विश्वेश्वर अभी है पूजा बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, 2 बजे फैसला आने के बाद पूरे काशी में बम बम बोल जाएंगे हम लोग। देखिए अंजलि, ये संत समाज की राय है और संत है युवा हमारे क्या कह रहे हैं इस रूल 711 के लगातार मुस्लिम ने हवाला दिया, मुस्लिम पक्ष ने, और कहा कि नहीं ये मेंटेनेबल नहीं है, पोषणीयता नहीं बनेगी, 1991 वर्षीय एक्ट के तहत भौगोलिक संरचना जो है उस आधार पर रहेगी, उसको समाप्त कर दिया गया है। देखिए जो सिविल प्रोसीजर सीपीसी 711 की बात की जा रही है वो तो पूर्ण होगा, क्योंकि वो साक्ष्य के आधार पर होता है और वो पूरे साक्ष्य जो है मिले हैं वहां कि मंदिर परिषद है वो, तो ये तो लागू हो जाएगा। रह गई बात कि जो 91 एक्ट की बात कर रहे हैं, 91 के एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो वहां लागू होता है, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने मकान बनाया है और उसके ऊपर बन रहा है, ये उनकी संपत्ति होती तब ना, लेकिन यहाँ तो तोड़ करके बनाया गया है, तो यहाँ वो एक्ट लागू ही नहीं होता। वो गलत तरीके से मुस्लिम पक्ष इसमें पक्षधर बन रहा है, यहाँ उनकी उनका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा है जिससे कि वो साबित करे कि यह ज्ञानवापी है, लेकिन हमारा साक्ष्य वहां पर है कि यह सनातन धर्म से, यहाँ तक कि युगों युगों से यह माता का मंदिर और बाबा विश्वनाथ यहाँ विराजमान रहे हैं। इसलिए हर हर महादेव। हमारे साथ ला के स्टूडेंट और संत भी हैं, ला क्या कहता है 1991 वर्षीय एक्ट रूल्स 711 मुस्लिम हवाला दे रहा है कि लगातार ये पोषणीयता बनेगी नहीं बनेगी, इसे रिजेक्ट किया जाए, इस पे सुनवाई नहीं हो। आपकी बात सही है जो है कि उनके मुस्लिम का कहना सही है कि उनके जो पुराना मंदिर मस्जिद जो बना हुआ है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि पुरातत्व विभाग उसका सर्वेक्षण नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर सर्वेक्षण किया जाता है और यदि उसमें आपकी बातें गलत पाई जाती हैं तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन हम सर्वे भवंतु सुखिनः वाले जो है संत हैं और हम ये नहीं चाहते जो है कि किसी का कुछ भी अनहित हो। हम हमेशा चाहते हैं जो हम जो है संविधान के अनुसार चलते हैं, हम कानून के अनुसार चलते हैं, तो जो न्यायालय का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। और हमें ये पता है कि सभी न्यायालय से ऊपर जो हमारे महाकाल हैं उनका न्यायालय फैसला जो है बिल्कुल उनके पक्ष में लाएगा जो है। तो अंजलि, संतों की राय यही है। महाराज जी, आज गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है, धारा 144 भी लागू कर दी गई है शहर में पूरे, संत हैं आप लोग, फैसला आने के बाद अगर पक्ष में आता है तो क्या आपकी राय है, अगर विपक्ष में आता है तो क्या सोच है आपकी? जैसे कि हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जब फैसला राम जन्मभूमि का आया था तो हमारे देश में कुछ हुआ था,
कुछ नहीं हुआ था, इसलिए गंगा जमुना तहजीब का हमारा देश है, हमको विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और बहुत शांति तरीके से दोनों पक्ष इस फैसला को मानेंगे, क्योंकि संपूर्ण विश्वास है कि फैसला पक्ष में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फैसले की घड़ी है और जाहिर तौर पर हर किसी को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका, आपसे आगे भी अपडेट इस पर लेते रहेंगे।